Hi guys, I am Nikhil and welcome to my YouTube channel जिसका नाम है Find Easy with Nikhil. This is my first video on my first YouTube channel जिसमें मैं आपको बताऊंगा education और jobs के बारे में, jobs के opportunities और events के बारे में. So let's begin. आज का जो topic है वो one of the most important topic है for students के लिए जिसका नाम है the best institute for the B.tech and the other undergraduate and postgraduate courses. तो पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट इंस्टीट्यूट्स होते कौन कैसे हैं, मतलब मैं किसको कह सकता हूं, हम किसको कह सकते हैं कि वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है और ये बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं है. तो पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा आपको, तीन चार पॉइंट्स में बताऊंगा कि बेस्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कैसे करते हैं. अगर मैं आपको बता दूंगा, अगर मैं रीजन बता दूंगा कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कैसे है, इंस्टीट्यूट बेस्ट कैसे बनता है, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट अच्छा होता है या फिर प्राइवेट, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है वो सारे आप सॉल्व हो जाएंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट किसे कहेंगे. तो बेस्ट इंस्टीट्यूट तीन चीजों से बनती है, तीन चीजों से. पहला क्या है, पहला है बेस्ट फैकल्टी, फैकल्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए. दूसरा है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बहुत अच्छे होने चाहिए इंस्टीट्यूट के. और तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लोकेशन. लोकेशन से मेरा मतलब है कि आपका कॉलेज, जो आप कॉलेज चूज कर रहे हैं, उसका लोकेशन इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होना चाहिए, कंपनीज के आसपास होना चाहिए. तो अगर आपका कॉलेज कंपनी के आसपास है, अगर आप जो कॉलेज चूज कर रहे हैं अगर वो कंपनी के या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास है, तो आपका वो बेस्ट कॉलेज है. अच्छे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी अच्छी है, लेकिन लोकेशन अच्छा नहीं है, तो सब बेकार, प्लेसमेंट आपका नहीं होने वाला. प्लेसमेंट होगा तभी हम उसको अच्छा कॉलेज बोलेंगे. तो मैं ये हो गया कि कैसे, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है लोकेशन पे, आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में हो. यूपीटीयू का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो चार गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें अच्छा है, जो सिर्फ अच्छा जिसमें एडमिशन लेते हैं बच्चे, वो है एसबीटीआई. एसबीटीआई अच्छा क्यों है वो भी लोकेशन पे डिपेंड करता है. वो कानपुर में है, तो कानपुर में जो है वो आपको पता ही होगा वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप कॉलेजेस लेंगे तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा. अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि अगर 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 इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास मेरा कॉलेज है तो उससे क्या बेनिफिट है. तो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है आपको, ये मैं बता दूं कि जितने भी कंपनियां होती हैं उनके जो एचआर होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं, कैंपस सिलेक्शन करते हैं. तो अगर आपका कॉलेज इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होगा, अगर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होगा, कंपनीज के आसपास होंगे, तो जो वहां का एचआर है, जो एचआर है उसको पता होगा कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कहां से रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो उसी इंस्टीट्यूट में जाएगा और आपका कैंपस सिलेक्शन करेगा. तो आप खुद से सोचिए, अगर आप एक आप अगर एचआर के पास अगर 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में अच्छे स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो 200 किलोमीटर क्यों जाएगा वो, तो क्यों 200 किलोमीटर क्यों जाएगा अपना कैंपस सिलेक्शन करने. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, यूपीटीयू का एक गवर्नमेंट कॉलेज है ट्रिपल एम है गोरखपुर में. वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन फिर भी वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास नहीं है. तो लोकेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. दूसरी बात कि लोगों के मन में ये होता है कि गवर्नमेंट और जितने भी सेक्टर, गवर्नमेंट या प्राइवेट, प्राइवेट अच्छा नहीं होता, गवर्नमेंट अच्छा होता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं. गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस दो तरीके के होते हैं, एक तरीका होता है उसमें, एक है कि उसमें पैसा, गवर्नमेंट में जो है वो फीस बहुत कम होती है प्राइवेट एज ए कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो लगता है, फीस बहुत ज़्यादा होती है. तो एक बहुत ही कम लोगों को पता है, एक होता है स्कीम फी वीवर करके, जो कि यूपीटीयू की तरफ से दिया गया है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है इसके बारे में. बीटेक इंस्टीट्यूट को, बीटेक जो कर रहे हैं उनको बाद में पता चलता है, लेकिन ट्वेल्थ के बाद जब क्वालिफाई करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो उस समय उनको नहीं पता होता. तो एक उसका नाम है फी वीवर करके है. अगर आपका 2000 रैंक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एसबीटीआई अगर आपको नहीं मिल रहा है 2000 रैंक पे, तो आप और जो तीन कॉलेज हैं गवर्नमेंट यूपीटीयू के उसको ना लिखिए, आप प्राइवेट जो आप मैं अभी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में जो कॉलेज, उसमें से कोई कॉलेज चूज करिए. ऐसा क्यों, आप यही बोलेंगे क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका फीस बहुत कम है, तो और जो प्राइवेट है उसका ज़्यादा होगा, तो आप प्राइवेट क्यों लेंगे. तो मैं बता दूँ, प्राइवेट हर ब्रांच में जो 3 सीट होती हैं वो फी वीवर होती हैं, वो फ्री होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, बट वो फ्री होती हैं और बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में. तो अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप जो प्राइवेट कॉलेज चूज करेंगे जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है, जो नोएडा रीजन के पास में है, आपको बता दूं अगर यूपीटीयू का एग्जाम दिए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करिए कि आपको दिल्ली एनसीआर में कॉलेज मिले.
तो अगर वहाँ पे आप कॉलेज लेंगे तो आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर फी वीवर आप हर ब्रांच में 3 सीटें फ्री होती हैं तो आप अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको फ्री, आप पूरा बीटेक अपना फ्री में करेंगे, या फिर कुछ पैसे लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूट तो वो बाद में जब आपका सेशन आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पैसा वो वापस हो जाता है। तो ये था फी वीवर, ये स्कीम है जो कम लोगों को पता होता है, मैंने इस वीडियो में आपसे बता दिया, आपको बता दिया। और अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरनेट पर सेलेक्ट सर्च करते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द आईआईटी फॉर द बीटेक, तो कई सारे 30-20 टॉप 10 ऐसे करके आ जाते हैं, वो मैक्सिमम उसमें फेक होते हैं, आपको मैं बता दूँ, पूरा पुराना रिकॉर्ड होता है, उसको बस अपडेट करते हैं लेकिन उसका नाम चेंज नहीं करते, तो जिससे आप फंस जाएंगे, आप एडमिशन ले लेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इंस्टीट्यूट अच्छे कैसे होते हैं, तो आप अब आपको पता चल गया है कि इंस्टीट्यूट मुझे कैसे सेलेक्ट करना है जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास हो, लोकेशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये आती है आपको कि अगर आप जेई मेन्स क्वालिफाई किए हैं और 120 नंबर 110 नंबर है क्वालिफाई हैं बस, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है NIT, तो आप अगर उस रैंक पे अगर आप UPTech कॉलेज लेना चाहते हैं दूसरे जगहों पे, तो आप इतना समझ लीजिए कि दूसरे जगहों पे भी ये लोकेशन का है, लोकेशन अगर अच्छा लेंगे तो आप मुंबई में ले सकते हैं, पुणे में ले सकते हैं, अगर जेई मेन्स के नंबर पे लेना चाहते हैं कोलकाता में कॉलेज ले सकते हैं UPTech का, मतलब बीटेक के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक कॉलेज को बेस्ट बनाती हैं, और आपके लिए ये मैंने बता दिया। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कुछ कॉलेजेस जो बहुत ही बेस्ट हैं, क्योंकि वो लोकेशन उनका बहुत ही अच्छा है। तो आप पहले समझ लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज HBTI है, HBTI बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वो कानपुर में है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में आ जाएँ तो प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें है JSS अकेडमी है, नोएडा में है JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल, एंड राजकुमार गोयल इंजीनियरिंग कॉलेज है गाजियाबाद में है, और KIET है गाजियाबाद में, और दलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है ग्रेटर नोएडा में, इसका जो प्लेसमेंट है बहुत ही अच्छा हुआ है। GR बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ग्रेटर नोएडा में, इसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा हुआ है, अबाउट 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है गाजियाबाद में। तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली NCR में, और आपको ये कॉलेज लेना चाहिए अगर आपको HBTI नहीं मिल रहा है तो। अब बात आती है कि अगर आपको बीटेक नहीं, अगर अदर पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने हैं तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट पड़ेंगी। तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है पूरे इंडिया में, मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूँ जो कि एरिया वाइज लोकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है। तो पहला है तेजपुर यूनिवर्सिटी है जो तेजपुर में है, दूसरा है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको सबको पता है वो दिल्ली में है, तो इसमें एडमिशन थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें 12th के नंबर पे कट ऑफ रैंक पे होती है एडमिशन। BHU है वाराणसी, BHU भारत हिंदू यूनिवर्सिटी। चौथा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम में है। और फिर उसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़, ये सारे सेल्फ एग्जाम कराते हैं, आप जाके नेट पे चेक कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटीज का मैं नाम बता रहा हूँ वो आप जाके नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इनका एग्जाम कब होता है, सेल्फ एग्जाम कराते हैं अगर आपका जे मेंस के रैंक पे नहीं हो पा रहा है इसमें तो। विश्व भारती यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी कोलकाता की है, और पंजाब की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर की, और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हिसार हरियाणा की। तो आप इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड 2 कमेंट्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।